अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? तो आज जो अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं नाश्ते पर। और किसके साथ नाश्ता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है और इंशाल्लाह वो सरप्राइज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं हम नाश्ते की तरफ। सो मैं पहुँच गई हूँ, कहाँ पहुँच गई हूँ, मैं पहुँच गई हूँ दो दरिया पर नाश्ता करने के लिए। और जो आपको ये दिख रहे हैं रेड कुर्ते में बहुत अच्छे जो लग रहे हैं वो हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, जिनके साथ मैं फर्स्ट टाइम नाश्ते पर आई हूँ। मिलिए इनसे, मीट माय क्यूट से क्यूट 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 से हस्बैंड, क्योंकि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप लोग सोचेंगे हैं, आप लोग हैरत होंगे कि आपको आपने मतलब आपके हस्बैंड कैसे, उनका यार ज़्यादा शेयर के मत मारो, आपकी बहन का निकाह हो चुका है और मैं निकाह की भी वीडियो अपने अपलोड करूँगी। मेरा निकाह हो चुका है तो फर्स्ट टाइम मेरे खाला के बेटे ही है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनके साथ आई हूँ, वो भी इनके नाश्ते पर निकाह के बाद। सो निकाह करें और बस हलाल अपना रिश्ता हलाल करें, ठीक है। तो बुफे सिस्टम था सुबह नाश्ते पर, तो हम लोगों ने यही जो है वो ऑर्डर नहीं किया था। हमने कहा चले व्लॉग बना रहे थे, व्लॉग में बुफे सिस्टम ही दिखाएंगे। अच्छा जी, इनके काम है, इनका जो इनका नाम मैं आपको बता दूँ, इनका नाम है मिस्टर उवैस भट्टी, जो कि बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि आंसर बस ख़त्म करो, बहुत ज़्यादा आप बातें कर रही हो, आप जल्दी से आगे आओ, मुझे आगे कर दे के आगे आओ, आगे आके आपको दिए ना ये बुफे से खाना वगैरह निकालो। मैंने बोला ये क्या बात हुई, मैं व्लॉग एड करूँगी आप कर, नहीं आपने करना ऐसे बोलने लगा। अच्छा जी चले, मैंने प्लेट व्लेट हाथ में रखी, फिर उसके बाद मैं देख रही थी ये क्या है, मैंने कहा पाए मैंने नहीं खाना, तो ये कह रहे अच्छा नहीं मैंने भी नहीं खाना, फिर हम लोगों ने इसे छोड़ दिया। भाई आपने जो खाना है अपने मुताबिक खाएँ, कि मतलब जितना आपने खाना है आप उतना ही डालें यार, सिस्टम ऐसा जब बुफे सिस्टम हो तो प्लीज़ आप लोग खाना ना वेस्ट नहीं किया करें, ठीक है। फिर हम लोगों ने ली निहारी, जो कि मिस्टर ओवैस की पसंद है निहारी। वैसे मैं लाइक नहीं करती निहारी वगैरह, जो भी है मुझे नहीं पसंद, इन्हें पसंद है तो इन्होंने लिया। फिर हम लोगों ने लिए छोले भटूरे, जो थे इस पे रखे हुए थे, छोले भटूरे होते भटोरे होते बट एवर जो भी है। मैंने यार मजाक में तो ना आना मेरा, ना बिल्कुल भी मजाक में आना, मैंने इसलिए यार बहुत से लोग ये कहेंगे कि क्या आपने एक ही प्लेट में सारा कुछ डाला है, यार इसलिए एक प्लेट में डाला है कि हमारा मतलब जितना पेट होगा हम इतना खाएंगे, क्योंकि आप लोगों को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया कीमा, और कीमे के बाद हम लोगों ने लिए सब्ज़ी का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी था, रियली बहुत टेस्टी था। अच्छा वैसे ना दो दरिया पर लिटरली दो दरिया की फ़िश बड़ी मशहूर है, ठीक है। अब फ़िश तो मैंने जो वहाँ पर ऑर्डर नहीं करवाई थी, क्योंकि फ़िश जो मैंने नाइट में वैसे ही खाई थी, तो इसलिए मैंने फ़िश ऑर्डर नहीं करवाई। तो फिर मैंने बोला मैं थक गई, अब मैंने वीडियो बनानी है, अब आप आएँ आप खुद डालें, फिर मैंने खुद ही इनके हवाले कर दिया इनके, यार मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, मुझे हम भी आ रही है इनके। अच्छा जी फिर ये खुद ही डाल रहे थे। अच्छा मजाक मत बनाना यार, बंदी का मतलब निकाह हुआ है, नया नया निकाह हुआ तो उसको थोड़ा सा मतलब होता है ना, मतलब इनके उनके करने में थोड़ा सा टाइम लगता है आप। अच्छा चले छोड़े, फिर इतनी जो इजीली मतलब यूँ ऐसे मिन करके डाल रहे करे। फिर मैंने बोला चले आप इतने में और ये रख कर आएँ खान अपने टेबल्स पर रखने गए थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये लिया छोले और आलू का साग लिया, और ये सिंपल सा साग है, वो रखने ये खड़े आ गए, बोले लाओ मुझे दो, मिला नहीं अब मैंने दे, फिर मैंने खाना डाला, फिर मैंने भी ज़्यादा मिला जाए। और ये हमारा है स्पेशल, हमारे लिए बनाया है, हम लोगों ने बनवाया है चिकन चीज़ ऑमलेट है। और फिर हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह लिए, जो कि ये फ्रूट्स खाए नहीं थे, सिर्फ पता नहीं क्यों लिए थे, खाए नहीं गए, क्योंकि खाना नाश्ता इतना हैवी हो गया था, तो इसलिए ये फ्रूट्स वगैरह खाए नहीं गए, तो ये हम लोगों ने वापस करवा दी। मतलब अपने जितना आप खाएं उतना ही लें, वेस्ट कुछ भी नहीं करें, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ एक एप्पल लिया, एक पीच लिया, और जो आप लोगों के सामने दिख रहा है वो है, ठीक है। अब हम लोगों ने पूरियां भी लेनी थी, फिर पूरियां का इंतज़ार कर रहे थे यार, गरम गरम पूरी आएगी तो पूरियां लेंगे, मैंने कहा ले लेंगे, बोले नहीं मिस्टर उवैस भट्टी जो कह रहे थे नहीं मुझे गर्म पूरियाँ ही खानी है, मैंने कहा चले गर्म पूरियाँ आई, फ़ौरन से उठा ली इन्होंने, उठाते के साथ ही बोले चलो, मैंने ये उठा लिए। मैं अब आपको उसके बाद पूरियां वो रखकर आ चुके थे, फिर हम लोग ने ये डाला
हलवा था ये, और बहुत टेस्टी था। ये था हलवा जो था वो बादाम, पिस्ते और पता नहीं दो तीन और चीज़ों का था, क्योंकि टेस्ट आ रहा था। फिर हम लोगों ने सैलेड लिया, क्योंकि सैलेड लेना, सैलेड तो अच्छा लगता है यार, ऐसी चीज़ें में सैलेड तो अच्छा लगता है। मैं खुद ही वीडियो अब बना रही थी, क्योंकि वो रखने गए थे सारी चीज़ें वगैरह जो है वो खाने की रखने गए थे। फिर दही लिया जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद है, या नहीं नहीं ये प्लीज़ अब बोलना नहीं, कैसे आप हंसे जा रही है, वो भाई आदत नहीं है आपकी बहन को ना, आदत नहीं है इससे, अब आदत हो गया ऐसा ऐसा ठीक है। तो फिर मैंने दही ले ली थी, फिर उसके बाद अब मैं जा रही थी अपनी क्या बोलूँ मिजाजी खुदा के पास, और अपनी टैबलेट पर जो कि मैं इंतज़ार कर रही थी ये नाश्ते के लिए। सो मैं मेरे बगैर जो नाश्ता स्टार्ट भी नहीं किया था। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह स्टार्ट किया, और आप लिटरली सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग आएंगे ना तो मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि झूठ नहीं बोल रही कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा यहाँ का व्यू लगा, क्योंकि मैं हैदराबाद से और वो कराची से, इसलिए यही लेके गए मुझे। मैं गई नहीं थी। फिर उन्होंने लस्सी वगैरह भी ऑर्डर की कि चले लस्सी वगैरह ऑर्डर कर लेता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। फिर इन्होंने अपने लिए जो है वो नमकीन लस्सी मंगवाई थी, मेरे लिए मीठी लस्सी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे नमकीन लस्सी बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर हम लोगों ने देखा कि मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर का भी व्यू चेक करते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। पीछे से कह रहे थे आंसर नहीं जाओ, आंसर नहीं जाओ, आंसर क्या करोगे ऊपर जाके। मतलब मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने लास्ट में जाना है। फिर मैंने अच्छा सा व्यू देखा, वैसे ऊपर सेम टू सेम था, पर जो नीचे हम लोग बैठे हुए थे तो वहाँ से समंदर थोड़ा सा करीब करीब लग रहा था। फिर मैं बाहर आ गए थे हम लोग, क्योंकि फिर हम लोगों को जाना था एक और जगह पर, वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ ना, सबर सबर करिए सबर। तो फिर हम लोग बैठ चुके थे बाइक पर, और बाइक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चला रहे थे मिस्टर ओन जी। यार ओन जी इनका निकनेम है, जो कि मैं ही लेती हूँ, सिर्फ और कोई नहीं लेता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ओन जी बोलना, क्योंकि ये मेरी जी है ना, इसलिए मैं ओन जी कहती हूँ ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे सीवियो पर, सीवियो पर इसलिए जा रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा मौसम भी रहता है, तो सोचा चलो सीवियो पर चल रहे थे। यार ये सीवियो निकलाएगा दो दरिया, और सीवियो जो है ना, मतलब रियल जो सीवियो, इसके बीच में एक जगह ठीक है न्यू पॉइंट बना है वो है ठीक है, ये सीवियो नहीं है, पर अब इसको नाम सीवियो देंगे क्योंकि अभी उसका नाम है ही नहीं, बना ही नहीं। ये देखें हम लोग पहुंच चुके थे, और दूर दूर तक मतलब साफ नज़र आ रहा था, जो लहरें चल रही थी ना वो साफ साफ नज़र आ रही थी, और मुझे लिटरली पानी से बहुत डर लगता है, मुझे सिर्फ अपने पैर जो होते हैं ना हल्के हल्के से वो पानी में जाते हैं वो अच्छा लगता है वैसे बहुत। तो जैसे जैसे मैं पानी के करीब आ रही थी और लहरें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी मैंने बोला अल्लाह, सबसे बड़ी मेन बात तो ये थी कि मैं अपने स्लीपर कहाँ रखूँ, क्योंकि विदाउट स्लीपर जो है ना वो अच्छा लगता है पानी में जाना, महसूस करना, पानी को टच करना। तो ये बहुत जल्दी मिस्टर ओन जी है ना, ये बहुत जल्दी आगे निकल रहे थे, तो मैंने बोला भाई मुझे कहाँ छोड़ रहे हैं आप, फिर मैं भी कहूँगी मुझे क्यों निकाला। तो फिर ये है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि लहरें यार बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने पैर वगैरह रखा अपना, और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एकदम मैं आगे आगे जा रही थी फ़ौरन से ही ना लहर आ गई मुझे, मैं पीछे जा रही हूँ क्या हो गया, मतलब मैं पीछे जा रही हूँ बस, अब मैंने नहीं जाना। तो बोले अच्छा, फिर ये जा रहे थे, मतलब अच्छा रुके सब्र करें ज़रा दो मिनट। तो मैं बातें करती जा रही थी, मैंने ऐसे फिर मैंने रुके दो मिनट रुके, पानी आ रहा, इतना अच्छा व्यू लगा, एकदम ही पानी आया, बहुत अच्छा व्यू लगा था मुझे। तो मैं एकदम पानी से भाग रही थी, तो बोला डरपोक आंसर, मैंने बोला मुझे डरपोक नहीं बोलना, बोला आप डरपोक हो डरती रहोगी पानी से, यार पानी से तो सबको डर लगता है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें शेयर भी करें। फिर मैंने सोचा मैंने चलो आगे जाके दिखाऊं, बोले बस रहना तो अभी डर कर आ जाओगी वापस। तो प्लीज़ अच्छा लगे लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें।